नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेखर म्यूज़िक विद गाड़ी में। आज का जो टॉपिक है वो मेरा जो नागचंपा का प्लांट है उसके बारे में। ये देखिए, एक नागचंपा का प्लांट में लगाया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके ज़रिए आप मेरे चैनल में आने वाले कोई भी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा नागचंपा का कैसे लगाए और उसका केयर और कीटनाशक, इसके बारे में बात करूँगा। ये जो नागचंपा आप देख रहे हैं, ये मैं एक ब्रांच ला के यहाँ पे लगाया था, और लगाने के 20-30 दिन के बाद इसका जो रूट है वो निकलना शुरू हो गया, और ये जो प्लांट है वो इस तरह से ग्रो किया। 2-3 बार इसके ऊपर फूल भी हो चुका है। तो अभी ये फूल होने के बाद इसका जो स्टिक्स है मैं इसको निकाल दिया था, तो अभी ग्रोथ कर रहा है। और कुछ दिन के बाद देखिए, यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे फ्लावर शुरू हो जाएगा। तो इसको केयर करने के लिए इसको ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, जितना ज़रूरत है उसका इतना ही पानी दीजिएगा। इसका जो फूल है वो वाइट कलर का है, वाइट कलर का गुच्छे में होता है, एक स्टिक निकलता है, स्टिक में गुच्छे में होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है, जैसे चंपा का फूल होता है उस तरह से। और इसका जो मिट्टी है हमेशा अच्छा मिट्टी, मतलब वेल ड्रेन रखिएगा, अगर पानी जम जाएगा इसका जो जड़ है वो गीला होके सड़ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट सन में रखिए, सन में रखेंगे तो इसका जो पत्ती का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगा और प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो पाएगा। और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ, सिर्फ एक महीने एक बार थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या नीम की खल दे देता हूँ। और एक काम कीजिएगा, इसका जो मिट्टी है इसको आप हमेशा खुदाई करते रहिएगा। खुदाई करने से क्या होता है, एयर जो है अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद इसका जो रूट को है वो रूट को एयर सप्लाई होता है, तो प्लांट ऊपर से अच्छे से ग्रो होता है। तो इस तरह से इसका केयर लीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा इसका जो सूखा हुआ प्लांट है इसको आप हमेशा निकाल दीजिए, सूखा हुआ जो पत्ता है। तो इस तरह से केयर लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।